राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज कार्तिक मास में मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान श्री कृष्ण की कथा। बंधुओं, कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की जितनी कथाएं सुनी जाएं उतनी ही थोड़ी हैं। भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी की कथाएं सुनने मात्र से भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखें। बोलो, कृष्ण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, चित्त को पूर्ण एकाग्र रखने वाले नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। वहां आसन पर बैठे हुए जगतपति ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने इस प्रकार कहा, विश्वेश्वर, भगवान के नाम की जितनी शक्ति है उसे बताइए। प्रभो, ये जो संपूर्ण विश्व के स्वामी साक्षात श्री नारायण हरि हैं, इन अविनाशी परमात्मा के नाम की कैसी महिमा है। ब्रह्मा जी बोले, बेटा, इस कलयुग में विशेषतः नाम कीर्तन पूर्वक भगवान की भक्ति जिस प्रकार करनी चाहिए वह सुनो। जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया, उन सभी पापों की शुद्धि के लिए एकमात्र विजयशील भगवान विष्णु का प्रयत्न पूर्वक स्मरण ही सर्वोत्तम साधन देखा गया है। वह समस्त पापों का नाश करने वाला है, अतः श्री हरि के नाम का कीर्तन और जप करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य हरि इस दो अक्षरों वाले नाम का सदा उच्चारण करते हैं, वे उनके उच्चारण मात्र से मुक्त हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तपस्या के रूप में किए जाने वाले जो संपूर्ण प्रायश्चित हैं, उन सब की उपेक्षा श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ है। जो मनुष्य प्रातः, सायं, रात्रि, मध्याह्न के समय नारायण नाम का स्मरण करता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद, मेरा कथन सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवान के नामों का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। राम 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 इस प्रकार बारंबार जप करने वाला मनुष्य यदि चंडाल हो तो भी वह पवित्र आत्मा हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। उसने नाम कीर्तन मात्र से कुरुक्षेत्र, काशी, गया और द्वारका आदि संपूर्ण तीर्थों का सेवन कर लिया। जो कृष्ण 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 इस प्रकार जप और कीर्तन करता है, वह इस संसार का परित्याग करने पर भगवान विष्णु के समीप आनंद भोगता है। ब्रह्मन, जो कलयुग में प्रसन्नता पूर्वक नरसिंह नाम का जप और कीर्तन करता है, वह भगवत भगत मनुष्य महान पाप से छुटकारा पा जाता है। सत्युग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजन करके मनुष्य जो कुछ पाता है, वही कलयुग में केवल भगवान केशव का कीर्तन करने से पा लेता है। जो लोग इस बात को जानकर जगत आत्मा केशव के भजन में लीन हो जाते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध तथा कलिक, ये 10 अवतार इस पृथ्वी पर बताए गए हैं। इनके नाम उच्चारण मात्र से सदा ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध होता है। जो मनुष्य प्रातः काल जिस किसी तरह भी श्री विष्णु का नाम कीर्तन जप तथा ध्यान करता है, वह निस्संदेह मुक्त होता है।
निश्चय ही नरसिंह नारायण बन जाता है। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने पिता ब्रह्मा जी से बोले, तात, तीर्थ सेवन के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करने की क्या आवश्यकता है? जिनके नाम का ऐसा महात्म है कि उसे सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उन भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। जिस मुख में राम राम का जप होता रहता है, वही महान तीर्थ है, वही प्रधान क्षेत्र है, वही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सुव्रत, भगवान के कीर्तन करने योग्य कौन कौन से नाम है, उन सब को विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ये भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक सनातन परमात्मा है। इनका ना आदि है ना अंत है। ये लक्ष्मी से युक्त संपूर्ण भूतों की आत्मा तथा समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। जिनसे मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, वे भगवान विष्णु सदा मेरी रक्षा करें। वही काल के भी काल और वही मेरे पूर्वज हैं। उनका कभी विनाश नहीं होता। उनके नेत्र कमल के समान शोभा पाते हैं। वे परम बुद्धिमान, अविकारी एवं पुरुष हैं। सदा शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु सहस्त्रों मस्तक वाले हैं। वे महाप्रभु संपूर्ण भूत उन्हीं के स्वरूप हैं। भगवान जनार्दन साक्षात विश्व रूप हैं। कैटब नामक असुर का वध करने के कारण वे कैट भारी कहलाते हैं। वे ही व्यापक होने के कारण विष्णु, धारण पोषण करने के कारण धाता और जगदीश्वर हैं। नारद, मैं उनका नाम और गोत्र नहीं जानता। तात, मैं केवल वेदों का वक्ता हूँ, वेदातीत परमात्मा का ज्ञाता नहीं। अतः देवेश्वर, तुम वहां जाओ जहां भगवान विश्वनाथ रहते हैं। मुनिश्रेष्ठ, वे तुमसे संपूर्ण तत्व का वर्णन करेंगे। कैलाश के स्वामी श्री महादेव जी ही अंतर्यामी पुरुष हैं। वे देवताओं के स्वामी और संपूर्ण भक्तों के आराध्य देव हैं। पांच मुखों से सुशोभित भगवान उमानाथ सब दुखों का विनाश करने वाले हैं। संपूर्ण विश्व के ईश्वर श्री विश्वनाथ जी सदा भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद, वहीं जाओ, वे तुम्हें सब कुछ बता देंगे। सूत जी कहते हैं, पिता की बात सुनकर देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर, जहां कल्याण प्रद भगवान विश्वेश्वर नित्य निवास करते हैं, गए। देवताओं द्वारा पूजित देव आदि देव जगत गुरु भगवान शंकर कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। उनके पांच मुख, 10 भुजाएं, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र, हाथों में त्रिशूल, कपाल, खटवांग, तीक्ष्ण शूल, खड़ग और पिनाक नाम का धनुष शोभा पा रहे थे। बैल पर सवारी करने वाले वरदाता भगवान भीम अपने अंगों में भस्म रमाए, सर्पों की शोभा से युक्त चंद्रमा का मुकुट पहने, करोड़ों सूर्यों के समान दीप्यमान हो रहे थे। नारद जी ने देवेश्वर शिव को साष्टांग दंडवत किया। उन्हें देखकर महादेव जी के नेत्र कमल खिल उठे। उस समय वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शिव ने ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ नारद जी से पूछा, देव ऋषि प्रवर, बताओ कहाँ से आ रहे हो? नारद जी ने कहा, भगवान, एक समय मैं ब्रह्मा जी के पास गया था। वहां उनके मुख से मैंने भगवान विष्णु के पाप नाशक महात्म का श्रवण किया। सुरश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने मेरे सामने भगवान की महिमा का भली भांति वर्णन किया। भगवान के नाम की जितनी शक्ति है, वह भी मैंने उनके मुख से सुनी। इसके बाद पहले विष्णु के नामों के विषय में प्रश्न किया, तब उन्होंने कहा, नारद, मैं इस बात को नहीं जानता, इसका ज्ञान महारुद्र को है, वे ही सब कुछ बताएंगे। यह सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। इस घोर कलयुग में मनुष्यों की आयु थोड़ी होगी, वे सदा अधर्म में तत्पर रहेंगे। भगवान के नामों में उनकी निष्ठा नहीं होगी, कलयुग के ब्राह्मण, पाखंडी, धर्म से विरक्त, संध्या ना करने वाले, व्रतहीन, दुष्ट और मलिन होंगे। जैसे ब्राह्मण होंगे, वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी होंगे। प्राय मनुष्य भगवान के भगत नहीं होंगे। द्विजों से बाहर गिने जाने वाले शूद्र कलयुग में धर्म अधर्म, हित अहित का ज्ञान भी नहीं रखते। ऐसा जानकर मैं आपके निकट आया हूँ। आप कृपा करके विष्णु के सहस्त्र नामों का वर्णन कीजिए, जो पुरुषों के लिए सौभाग्यजनक
परम उत्तम सर्वदा भक्ति भाव को बढ़ाने वाले हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मणों को ब्रह्म ज्ञान, क्षत्रियों को विजय, वैश्यों को धन, शूद्रों को सदा सुख देने वाले हैं। सुव्रत, जो सहस्त्र नाम परम गोपनीय है, उनका वर्णन कीजिए। वह परम पवित्र एवं सदा सर्व तीर्थमय है, मैं उनका श्रवण करना चाहता हूँ। प्रभो विश्वेश्वर, कृपया उस सहस्त्र नाम का उपदेश कीजिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।